हेलो एवरीवन, सो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हैजलर चार्ट मेथड के बारे में, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे किसकी, अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, और हमने ये समझा था अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स है, ठीक है। पहला जो मेथड था वो था आपके पास लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, सेकेंड हमारे पास है हैजलर चार्ट मेथड, और तीसरा हमारे पास क्या है, एरर फंक्शन मेथड। और कब कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है, कब कौन सा मेथड लगाना है ये किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो हमने बताया था कि भाई कंडक्शन रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो, जब आपने लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस पढ़ा, ठीक है, पहला मेथड जब आपने डिस्कस किया था, तो पहले मेथड में आपने ये समझा था कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर का जो वेरिएशन था, ठीक है, जो विद इन द सॉलिड, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, वो टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस का फंक्शन नहीं था, ठीक है, वो जो टेम्परेचर का वेरिएशन था वो स्पेस का फंक्शन नहीं था। स्पेस का फंक्शन क्यों नहीं था, स्पेस का फंक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास नेग्लिजिबल था। गेटिंग माय पॉइंट, जो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास बहुत कम थी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। एंड दैट इज द रीजन कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट था विद इन द सॉलिड, वो क्या था, वो नेग्लिजिबल था। सो टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस के साथ नहीं था, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ था, टाइम के साथ। करेक्ट है। नाउ अब हमको बात करनी है कहां, अब हमको बात करनी है हैजलर चार्ट मेथड के बारे में, और हम हैजलर चार्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस चीज को भी समझना, ठीक है। जो हैजलर चार्ट मेथड है वो हम कब यूज करते हैं, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि भाई हैजलर चार्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। सो हैजलर चार्ट मेथड हम यूज करते हैं जब आपके पास जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस है, तब हम यूज करते हैं क्या, हैजलर चार्ट मेथड। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपसे जो बनता है वो यही बनता है कि जो हैजलर चार्ट मेथड है वो हैजलर चार्ट मेथड हम कब यूज करते हैं। सो कब यूज करते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ आईसीआर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ईसीआर। करेक्ट है। सो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं हैजलर चार्ट मेथड। बायोड नंबर के टर्म्स में अगर हम बात करें, सो बायोड नंबर के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, सो बायोड नंबर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी कर रही है, 0.1 से लेके 100 के बीच में, राइट। अगर बायोड नंबर की वैल्यू इस रेंज में आता है, ठीक है, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हैजलर चार्ट मेथड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हैजलर चार्ट मेथड में, ठीक है, जैसे आपने लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस में समझा था कि जो टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन था, स्पेस का फंक्शन नहीं था। अब यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो भाई इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस भी इक्वली प्रेडोमिनेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अगर इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो यहां पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर टाइम का फंक्शन तो होगा, साथ में और किसका फंक्शन होगा, साथ में होगा स्पेस का फंक्शन। मतलब यहां पे अगर हम टेम्परेचर बोले किसका किसका फंक्शन है, टेम्परेचर किसके किसके साथ वेरी करेगा, तो हम ये बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है वो स्पेस का फंक्शन है, एट द सेम टाइम और किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो यहां पे जो टेम्परेचर है वो स्पेस का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। क्लियर। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हुए उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है वो पहले मेथड से बनता है, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से बनता है। ठीक, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत बेसिक से पूछा जाता है। बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब यह है कि जैसे हैजलर चार्ट मेथड आप कब यूज करते हो। सो हैजलर चार्ट मेथड हम कब यूज करते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ आईसीआर एंड ऑर्डर ऑफ ईसीआर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों का आपके पास इक्वली इंपॉर्टेंस है, तब हम यूज करते हैं हैजलर चार्ट मेथड। करेक्ट है। सो बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बेसिक से आपके पास क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहां पे इस हैजलर चार्ट मेथड को आपको समझना है, ठीक है, कि भाई एक्चुअली हैजलर चार्ट है क्या, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, और हैजलर चार्ट को पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। गेट के एग्जाम में तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी
अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई हेजलर चार्ट को पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो हेजलर चार्ट पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, पहले हम हेजलर चार्ट पढ़ना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखेंगे जो हेजलर चार्ट है वो पिक्चर में आता कैसे है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक प्लेन वॉल है, यहां पे मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, एक प्लेन वॉल कंसीडर करके चल रहा हूं, और ये जो प्लेन वॉल आप देख रहे हो, इस प्लेन वॉल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मैं बोल रहा हूं क्या है भाई, के एस, ठीक है, प्लेन वॉल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के एस है। अगर थिकनेस की मैं बात करता हूं तो थिकनेस मेरे पास क्या है, थिकनेस है मेरे पास 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास A। क्लियर पॉइंट। और इनिशियली ये जो आप स्लैब देख रहे हो या ये जो प्लेन वॉल देख रहे हो, इसका जो टेम्परेचर है इनिशियली, सो इनिशियली टेम्परेचर जो है वो Ti है, और इनिशियली टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है, एट टाइम tau इज इक्वल टू जीरो टी बिकम्स Ti, ठीक है। इनिशियली जो टेम्परेचर है इस प्लेन वॉल का या इस स्लैब का, वो टेम्परेचर मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है मेरे पास Ti, और ये जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब क्या है कि आप भाई स्पेस में कहीं पे भी चले जाओ, विद इन दिस सॉलिड, विद इन दिस प्लेन वॉल, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, दैट एवरीवेयर टेम्परेचर इज Ti इनिशियली। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इसमें में लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या दिख रहा है, किसी भी एक्स पे, किसी भी एक्स पे, क्लियर है पॉइंट, किसी भी एक्स पे, और आपके पास जीरो टाइम पे मतलब इनिशियल टाइम पे कितना है मेरे पास Ti, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, जो टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं स्पेस के साथ भी वेरिएशन समझ रहा हूं तो टेम्परेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में जो टेम्परेचर में जो चेंजेस आएगा, ठीक है, उसको मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, नेग्लिजिबल एज्यूम करके चल रहा हूं, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं, वन डायमेंशनल, ठीक है, ये एजम्पशंस है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां पर क्या क्या एजम्पशंस है, एजम्पशन समझिए, समझना पहले एजम्पशन, और एजम्पशन क्यों लेते हैं आपको अच्छे से पता है, एजम्पशन हम इसलिए लेते हैं सो दैट प्रॉब्लम को, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, ठीक है। सो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है भाई वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। मतलब मैं यहां पे क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि भाई वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द बोल, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक्स डायरेक्शन, ये मेरे पास हो गया वाई डायरेक्शन, और ये मेरे पास हो गया जेड डायरेक्शन, करेक्ट। सो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन है वो क्या है मेरे पास, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट डायमेंशन है। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, पहला जो एजम्पशन है वो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है कि वन डायमेंशन है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट एनी एक्स टाइम टाउ इज इक्वल टू जीरो पे कितना है Ti, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन मेरे पास क्या है कि कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, ठीक है, सेकेंड एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन है कि विद इन दिस सॉलिड कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है। और जो थर्ड एजम्पशन है वो थर्ड एजम्पशन मेरे पास क्या है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास तीन assumptions है, राइट। अब देखो ये जो आप यहां पे, ये जो प्लेन वॉल आप देख रहे हो जिसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है Ti, और यूनिफॉर्मली Ti मेंटेन है, क्लियर पॉइंट। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एक मीडियम में इमर्स कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मीडियम है, और इस मीडियम में मैंने क्या कर दिया, इस मीडियम में इमर्स कर दिया, चलो। और ये जो मीडियम है, इस मीडियम का जो टेम्परेचर है, इस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है टी इन्फिनेटिव, जो मीडियम का टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है टी इन्फिनेटिव, और जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एच, ठीक है। मीडियम का जो टेम्परेचर है वो टी इन्फिनेटिव है, और जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एच है, और सिमेट्रिक कंडीशन है, ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन है, मतलब इधर भी आपके पास मीडियम है, इधर भी आपके पास मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये मीडियम हीटिंग मीडियम भी हो सकता है, और ये जो मीडियम है ये कूलिंग मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, हीटिंग कूलिंग दोनों में से आपके पास कोई भी मीडियम हो सकता है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास सिमेट्रिक कंडीशन है, तो सिमेट्रिक कंडीशन है तो देखना, यहां पे मैंने थिकनेस को 2L लिया है, सो थिकनेस को 2L लेने का, ठीक है, जो पर्पस है वो पर्पस क्या है वो भी थोड़ा समझ लेना,
कि देखना यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, जो सिमेट्रिक कंडीशन है उस सिमेट्रिक कंडीशन को यूज करने वाला हूं, जो सिमेट्रिसिटी है उस सिमेट्रिसिटी को यूज करने वाला हूं, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, x, ठीक है, ये थिकनेस क्या है, ये थिकनेस मेरे पास 2l है, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मैं कहां पे मार रहा हूं, मिड प्लेन पे, ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास है मिड प्लेन, ठीक है, ये मेरे पास हो गया क्या, ये मेरे पास हो गया मिड प्लेन, राइट। सो इधर भी मेरे पास कितना है, ये हो गया मेरे पास एल, और इधर भी मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास एल, मतलब जो भी मैं एक्स देखूंगा वो एक्स इज इक्वल टू जीरो से देखूंगा, ठीक है। सो इधर एक्स हो गया, इधर भी ये मेरे पास हो गया एक्स, चाहे तो आप बोल सकते हो इधर आपके पास क्या है पॉजिटिव एक्स, इधर आपके पास निगेटिव एक्स, ठीक है। सो देखो मैंने यहां पे एक्स इज इक्वल टू जीरो मैंने यहां पे लिया, मैंने यहां से स्टार्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये है क्योंकि मैं सिमेट्रिसिटी को यूज करना चाह रहा हूं, और सिमेट्रिसिटी को मैं कैसे यूज करूंगा वो आगे आप समझ पाओगे, ठीक है। मैं सिमेट्रिसिटी यूज करना चाह रहा हूं, कैसे यूज करूंगा वो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये कंडीशन है, बिल्कुल ये समझ आ चुका है, ये कंडीशन है। अच्छा एक चीज और, किसी टाइम टाउ पे, किसी टाइम टाउ पे, क्लियर है पॉइंट, किसी टाइम टाउ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहां पर देखना, समझना ध्यान से, किसी टाइम टाउ पे, किसी x डिस्टेंस पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास क्या है, वो टेम्परेचर मेरे पास t है, समझना ध्यान से, किसी टाइम tau पे, किसी x डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है मेरे पास t। तो लिखेंगे कैसे, समझना ध्यान से, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास x tau, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना सीखना, क्या बोल रहा है ये, किसी x पे, किसी टाइम tau पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास क्या है, टेम्परेचर मेरे पास t है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यही टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ठीक है, यही टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको समझना है। जैसे हमने लैम्डा पैरामीटर एनालिसिस में भी यही समझा था, वहां पे हमने क्या बोला था, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर स्पेस का फंक्शन नहीं है, एक्स का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन है। सो वहां पे भी पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, टेम्परेचर का वेरिएशन, और वहां पे हमने समझा था कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन था वो क्या आया था, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, ये समझ चुके हो, राइट right, बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी आपको टेम्परेचर का वेरिएशन समझना है एक्स के रिस्पेक्ट में और टाइम टाउ के रिस्पेक्ट में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो सॉल्व करने के लिए चलते हैं गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है। गवर्निंग इक्वेशन पता है कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है किसका, ये मेरे पास एक स्लैब का प्रॉब्लम है, और स्लैब के प्रॉब्लम को या फिर प्लेन वॉल के प्रॉब्लम को हम किस में डील करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखना आता है, ठीक है। सो अंडर सर्टेन एजम्पशन, जो एजम्पशंस हमने यहां पे लिखा था, उन एजम्पशंस को यूज करके आप क्या कर सकते हो, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिंपल फॉर्म में ला सकते हो, राइट। सो कैसे आ जाएगा, यहां से देखना, वन डायमेंशनल था तो ये हो गया भाई मेरे पास क्या, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, ठीक है, अनस्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, सो वन बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया गवर्निंग इक्वेशन, करेक्ट है। अब देखो, ये जो गवर्निंग इक्वेशन आप देख रहे हो, इस गवर्निंग इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ये जो गवर्निंग इक्वेशन है, इस गवर्निंग इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको टेम्परेचर का वेरिएशन समझ आएगा, ठीक है, तब आप टेम्परेचर का वेरिएशन देख पाओगे, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बात करता हूं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान बात नहीं है, ठीक है। क्यों आसान बात नहीं है, क्योंकि देखना यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में आपके पास डेल टी बाई डेल टाउ भी है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स की तरफ जाना पड़ता है, और हायर मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मैथड, ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल मैथड लगा के, ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो बीटेक में नहीं होता, जो बीटेक का पार्ट नहीं होता, ये जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, जब आप मास्टर्स करने जाते हो, तो इन इक्वेशन को मैथमेटिकली, ठीक है, आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा जाता है सो दैट कि इस टाइप के इक्वेशन को आप क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे हमको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझना है, करेक्ट। अब देखो, इस इक्वेशन को अगर मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो देखिए यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां पे दो बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दो कॉन्स्टेंट यहां से आएगा, एक कॉन्स्टेंट यहां पे आएगा, ठीक है, दो कॉन्स्टेंट इसका होगा, एक कॉन्स्टेंट इसका होगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की मैं बात कर रहा हूं,
जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पे दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा और यहां पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को बताने के लिए, इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन की। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन की। तो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा वो समझ सकते हो। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या बन रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि जो बाउंड्री कंडीशन होता है ना वो प्रॉब्लम के हिसाब से होता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, यहां से अगर मैं देखो बाउंड्री कंडीशन, सो सबसे पहले अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूं, पहले मैं बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा हूं, फिर मैं किसकी बात करने वाला हूं, इनिशियल कंडीशन की। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो यही है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी और कितने इनिशियल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ने वाली है, दो बाउंड्री कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन, टू बाउंड्री कंडीशन, और एक मेरे पास क्या होगा, एक मेरे पास होगा इनिशियल कंडीशन। करेक्ट है, टाइम के रिस्पेक्ट में इनिशियल कंडीशन, एक्स के रिस्पेक्ट में बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सो यहां पे आपके पास क्या है, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, सो दो बाउंड्री कंडीशन, यहां पे क्या है, डेल टी बाई डेल टाउ, एक इनिशियल कंडीशन, और वो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन क्या होगा। सो यहां पे अगर देखोगे बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा हूं पहले, सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मिड प्लेन की। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होने वाला है, क्योंकि भाई क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन है, टेम्परेचर की सिमेट्रिसिटी होगी। ठीक है, सो यहां से अगर मैं टेम्परेचर वेरिएशन भी अगर हम देखें, अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन को भी समझे, तो भाई टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो ऐसा ही कुछ होगा क्या? ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन है, सो टेम्परेचर का जो भी वेरिएशन होगा ऐसा ही कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन मिलने वाला है मेरे को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास हीटिंग मीडिया है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हीटिंग मीडिया है। ठीक है, सो यहां पे मेरे को जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन मिलेगा वो ऐसा ही कुछ वेरिएशन मिलेगा। करेक्ट है, सो मिड प्लेन पे, मिड प्लेन पे आपको क्या दिख रहा है, मिड प्लेन पे यहां पे क्या दिख रहा है, क्या डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और इसी सिमेट्रिसिटी को यूज करने के लिए मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो कहां पे लिया है, मिड प्लेन पे लिया है, और इस थिकनेस को मैंने क्या लिया है, टू एल लिया है। करेक्ट है, सो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, सिमेट्रिसिटी को यूज कर रहा हूं एज अ बाउंड्री कंडीशन। राइट, सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या बनने वाला है, प्रॉब्लम के हिसाब से देखो, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन बनने वाला है कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल मतलब कहां की बात कर रहा हूं, माइनस एल मतलब यहां पे और प्लस एल मतलब यहां पे। क्या दिख रहा है आपको, जो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल पे, ठीक है, जितना कंडक्शन हो रहा है वही क्या होगा, वही मेरे पास कन्वेक्शन के बराबर होगा। जितना रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वही मेरे पास किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बराबर, कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल पे। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया दो बाउंड्री कंडीशन। अब मेरे को चाहिए क्या, अब मेरे को चाहिए इनिशियल कंडीशन, अब मेरे को चाहिए इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन भी मेरे को पता है क्या है भाई, इनिशियल कंडीशन एट टाइम टाउ इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टाउ इज इक्वल टू जीरो दैट टेम्परेचर एट एनी एक्स जीरो, क्या दिख रहा है मेरे को, दिस इज इक्वल टू टी आई। एट टाइम टाउ इज इक्वल टू जीरो पे जो टेम्परेचर था वो क्या टेम्परेचर था, वो जो टेम्परेचर था वो टी आई था, किसी भी एक्स पे, किसी भी एक्स पे मतलब यूनिफॉर्म है, किसी भी एक्स पे टाइम टाउ इज इक्वल टू जीरो पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है टी आई। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ठीक है, सो अगर इस गवर्निंग इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए था, बाउंड्री कंडीशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इनिशियल कंडीशन टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दो बाउंड्री कंडीशन, एक इनिशियल कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन क्या बन रहा है, प्रॉब्लम के हिसाब से, इनिशियल कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम के हिसाब से। करेक्ट है पॉइंट, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। करेक्ट है, और जब फाइनली फाइनली मैथमेटिकली, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे, जब आप मास्टर्स करने चले जाओगे कभी, तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके देखने के बाद हमको क्या मिलता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सो क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है आपको ऐसा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सी टी माइनस टी इंफिनिटिव अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटिव, दिस इज फंक्शन ऑफ बायोट नंबर, फूरियर नंबर, और एक और डायमेंशनलेस नंबर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द एक्स बाई एल।
क्लियर है। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, दिख रहा है आप लोगों को, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, वो किसका किसका फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा बायोट नंबर का, वो फंक्शन होगा फूरियर नंबर का, और एक और डायमेंशनलेस नंबर है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एक्स बाई एल। ठीक है, देखो जब आप लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझना, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो, जब हम बात कर रहे थे किसके, जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट मेथड लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस। सो लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस में जब हमने टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, ये मेरे पास किसका किसका फंक्शन आया था, ये मेरे पास फंक्शन था बायोट नंबर का और किसका था, फूरियर नंबर का। ठीक है, लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस में यही आया था। ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हेजलर चार्ट मेथड, और हेजलर चार्ट मेथड में कंडक्शन रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है, इसीलिए जो टेम्परेचर वो स्पेस के साथ भी वेरी करेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, देखो यहां पे बायोट नंबर आया, फूरियर नंबर आया, और साथ में एक डायमेंशनलेस नंबर और आया, विच इज नथिंग बट द एक्स बाई एल, जो शो कर रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस के साथ भी होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो जब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और टेम्परेचर का वेरिएशन आप देखोगे, तो भाई आपको बायोट नंबर भी उस इक्वेशन में होगा, फूरियर नंबर भी होगा, और आपके पास डायमेंशनलेस नंबर भी होगा एक्स बाई एल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और मैंने आपको बोला है मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है। अब देखो हेजलर ने क्या किया, ठीक है, हेजलर ने क्या किया, इस चीज को समझना है। ठीक है, हेजलर ने इस टाइप के प्रॉब्लम को बड़ा आसान कर दिया। ठीक है, हेजलर ने क्या किया, हेजलर ने ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम को बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि भाई यहां पर ह्यूज मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को हेजलर ने क्या कर दिया, आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? ठीक है, ग्राफ प्लॉट करके, चार्ट प्लॉट करके। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमको मैथमेटिकली नहीं जाना है, अब हमको जाना है ग्राफिकली। ठीक है, अब हमको यूज करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हेजलर चार्ट को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो हेजलर चार्ट से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आसान हो गया, लेकिन हेजलर चार्ट आपको पढ़ना आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम यही सीखने वाले हैं कि जो हेजलर चार्ट है, ठीक है, ये तो बात समझ आ गई कि भाई हेजलर चार्ट जो है वो पिक्चर में कैसे आया। सो हेजलर चार्ट कुछ नहीं है, यहां पे आप चीजों को मैथमेटिकली देख रहे हो, और हेजलर चार्ट के थ्रू मतलब हेजलर ने किया क्या, चीजों को यहां से उठाया और ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया। ठीक है, और वही ग्राफ हमको पढ़ना आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि जो हेजलर चार्ट है उस हेजलर चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते आगे। So, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेजलर चार्ट को पढ़ना। ठीक है, हेजलर चार्ट को आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, सो एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, प्लेन वॉल का। वैसे ही आप देखोगे हेजलर चार्ट किसके लिए होगा, सिलेंडर के लिए। वैसे ही आप देखोगे हेजलर चार्ट किसके लिए होगा, स्फीयर के लिए। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा जो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हो, जब आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो, तो वहां पर यूज होता है डेटा बुक। ठीक है, वहां पर हम डेटा बुक यूज करते हैं, और वो जो डेटा बुक है उस डेटा बुक में हेजलर चार्ट होता है। ठीक है, उस डेटा बुक में आपके पास हेजलर चार्ट होता है, इसीलिए जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम देते हो, यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्जाम देते हो, उसमें क्या होता है, हेजलर चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि आपके पास चार्ट अवेलेबल है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, या फिर आपको चार्ट देना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास जो डेटा है, ठीक है, जो चार्ट है, उस चार्ट का आपको टैबलेटेड फॉर्म देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तब आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं किसके लिए, यहां पर हम प्लेन वॉल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सिलेंडर और स्फीयर के लिए समझना बड़ा आसान है। ठीक है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, सेम आपके पास स्टेप्स है, अलग अलग स्टेप्स कुछ नहीं है, राइट। So, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्लेन वॉल, तो मान लो मेरे पास क्या है भाई, मान लो मेरे पास ये प्लेन वॉल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया प्लेन वॉल, और ये जो प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल की जो थिकनेस है वो मेरे पास कितना है, ये मेरे पास हो गया 2L, और जो मिड प्लेन है ये हो गया मेरे पास मिड प्लेन, एक्स इज इक्वल टू जीरो कहां पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरे पास है मिड प्लेन पे। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अच्छा इधर आपके पास जो मीडिया था, मीडिया का जो टेम्परेचर है वो है टी इन्फिनिटिव, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एच। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हम हेजलर चार्ट डिस्कस करेंगे। यहां पे मेरे को सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या, एट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो किसी टाइम टाउ पे। ठीक है, पहले मेरे को यह फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दिख रहा है जीरो यहां पे लिखा है, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मिड प्लेन की,
और किसी टाइम टाउ पे मेरे को क्या करना है, किसी टाइम टाउ पे मेरे को इस मिड प्लेन का जो टेम्परेचर है वो मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास चार्ट है, मेरे पास हेजलर का बनाया हुआ चार्ट है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास चार्ट है, और ये जो चार्ट है यहां पे अगर देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस में हो गया यहां पे फूरियर नंबर, ठीक। और जो मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस में है मेरे पास डायमेंशनलेस टेम्परेचर वाला टर्म, राइट। और वो क्या है, सो देखो टी ये हो गया जीरो टाउ माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी, क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो ये मेरे को क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर एट मिड प्लेन किसी टाइम टाउ पे, ये हो गया मेरे पास किसका टेम्परेचर, मीडियम का टेम्परेचर, ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर टी आई, और ये हो गया अगेन मेरे पास क्या, मीडियम का टेम्परेचर, ये मेरे पास हो गया फूरियर नंबर, करेक्ट। सो फूरियर नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। फूरियर नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फूरियर नंबर अल्फा टाउ बाई ये हो गया मेरे पास एल स्क्वायर, करेक्ट है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये स्मॉल एल है, ये मेरे पास कैपिटल एल है, ये मेरे पास जो एल है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास फूरियर नंबर अल्फा टाउ बाई एल स्क्वायर, राइट। अच्छा, बायोट नंबर अगर कैलकुलेट करना होगा, सो बायोट नंबर इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया एच एल बाई ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास के एस, क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो अब यहां से मैं फूरियर नंबर, देखो प्रॉब्लम जैसे मिला तो प्रॉब्लम से मैं क्या कर सकता हूं, फूरियर नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, बायोट नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि देखो अल्फा मेरे को पता होगा विच इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, टाउ टाइम है, सो टाउ मेरे को पता है, राइट। एल मेरे पास क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। सो प्लेन वॉल के केस में, प्लेन वॉल के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हम कितना लेते हैं, प्लेन वॉल के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास सेमी थिकनेस। सेमी थिकनेस बोलने का मतलब क्या हो गया, 2L है तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, L, करेक्ट है। सो यहां पे L इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, स्मॉल L के बराबर, ठीक है। सेमी थिकनेस, और सेमी थिकनेस बोलने का मतलब क्या है, 2L की जगह मैं क्या लूंगा, L, हाफ हो गया ना, क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो इस वे में मैं क्या करने वाला हूं, इस वे में मैं L इज इक्वल टू कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल L अल्फा टाउ बायोट नंबर, ठीक है, बायोट नंबर निकालने के लिए एच एल के एस, ठीक है, ये पैरामीटर आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा। सो फूरियर नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप बायोट नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो यहां पे अगर ग्राफ देख रहे हो, जो पहला ग्राफ है वो आपके पास फूरियर नंबर वर्सेस टेम्परेचर डायमेंशनलेस टेम्परेचर टर्म, और ये जो डायमेंशनलेस टेम्परेचर टर्म है इसमें क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझना है, क्लियर है पॉइंट? सो पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं मिड प्लेन पे, मिड प्लेन पे किसी टाइम टाउ पे टेम्परेचर, क्लियर है। सो इसके लिए जब आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, इसके लिए जब आप डेटा बुक देखोगे तो डेटा बुक में आपके पास क्या होगा, इस टाइप से आपके पास क्या होगा, ग्राफ होगा, इस टाइप से आपके पास क्या होगा, डिफरेंट आपके पास ग्राफ होगा, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, सो ये हो गया मेरे पास क्या, वन बाई बायोट नंबर, करेक्ट है। वन बाई बायोट नंबर के करस्पॉन्डिंग, ये जो डिफरेंट ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, वन बाई बायोट नंबर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो बायोट नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, बायोट नंबर अगर कैलकुलेट हो गया तो उसका रेसिप्रोकल आप ले सकते हो, नो रेसिप्रोकल ले सकते हो तो भाई वन बाई बायोट नंबर की वैल्यू आ गई, और वन बाई बायोट नंबर की वैल्यू आ गई तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या पता चल गया मेरे को, एक ग्राफ पता चल गया। मान लो मेरे को कौन सा वाला ग्राफ आया, वन बाई बायोट नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला आया, करेक्ट है। देखो फूरियर नंबर मेरे को पता है, सो फूरियर नंबर मेरे को जब पता है तो एक काम करता हूं, फूरियर नंबर यहां से कैलकुलेट कर लिया, फूरियर नंबर मेरे को पता है तो क्या करूंगा, मान लो फूरियर नंबर की वैल्यू चलो यहां कहीं पे आई, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इस ग्राफ को जहां पे काट रहा होगा, ठीक है, इसको आप फेंको कहां पे, इसको फेंको वाई एक्सिस पे, सो ये वाई एक्सिस पे फेंक दिया, ठीक है। सो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहां पे मान लीजिए जो वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आई भाई, वाई आई, राइट। सो यहां से क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास, देखो टी एट मिड प्लेन, ठीक है, किसी टाइम टाउ माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी, सो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर, राइट। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं ये, ठीक है, बिकॉज टी इंफिनिटी नोन है, टी आई नोन है, सो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मिड प्लेन पे किसी टाइम टाउ पे मैं टेम्परेचर क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पहला ग्राफ है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूं, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, किसी एक्स पे सेम टाउ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मिड प्लेन था, इस मिड प्लेन से मैं इतना डिस्टेंस आया हूं, ये मेरे पास हो गया एक्स डिस्टेंस,
करेक्ट है। और इस एक्स डिस्टेंस पे ये जो प्लेन है, इस एक्स डिस्टेंस पे ये जो मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन पे टाइम टाउ पे, जिस टाइम टाउ पे आपने मिड प्लेन पे टेम्परेचर फाइंड आउट किया था, जिस टाइम टाउ पे आपने मिड प्लेन पे टेम्परेचर फाइंड आउट किया था, उसी टाइम टाउ पे मेरे को एक्स डिस्टेंस पे ये जो प्लेन है उस प्लेन का टेम्परेचर चाहिए। क्लियर पॉइंट? मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भाई टी टेम्परेचर एट एनी एक्स एट सेम टाइम टाउ, जिस टाइम टाउ पे आपने मिड प्लेन पे टेम्परेचर फाइंड आउट किया था। क्लियर पॉइंट? ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है। पहले ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव में हमने क्या फाइंड आउट किया, पहले हमने फाइंड आउट किया मिड प्लेन पे टेम्परेचर किसी टाइम टाउ पे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मिड प्लेन से एक सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे उसी टाइम टाउ पे अब आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? सो उसके लिए मेरे पास क्या है, उसके लिए मेरे पास दूसरा ग्राफ है। ठीक है, हेजलर का बनाया हुआ मेरे पास दूसरा ग्राफ है, और ये मेरे पास हो गया सेकेंड वाला ग्राफ। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला ग्राफ है ये किसके किसके बीच का ग्राफ है, सेकेंड वाला जो ग्राफ है ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास 1/Biot number, राइट, 1/Biot number। अब देखो यहां पे भी डाइमेंशनलेस टेम्परेचर टर्म है, और ये मेरे पास क्या है टी एक्स टाउ माइनस, ये हो गया टी इंफिनिटी अपॉन टी, और ये हो गया मेरे पास जीरो टाउ माइनस टी इंफिनिटी। क्लियर पॉइंट? ठीक है, समझ जा ध्यान से, ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर एट एनी एक्स टाइम टाउ पे माइनस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट मिड प्लेन पे उसी टाइम टाउ पे जो ऑलरेडी आपने निकाल चुका है। ठीक है, ये देखो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए अब नोन हो चुका है। कहां से नोन हो चुका है, पहले ग्राफ से। देखो ये फाइंड आउट कर लिया था, टी इंफिनिटी तो पहले से ही नोन था मेरे पास, मेरे को क्या बताना है, मेरे को जो बताना है वो ये बताना है। ठीक है, और ये मैं कैसे बताऊंगा, तो भाई ग्राफ को यूज करके, बायोट नंबर ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया था, 1/Biot number आसानी से बता लोगे, राइट। अब देखो, अब आपको फिर से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिफरेंट ग्राफ। ठीक है, सो डिफरेंट ग्राफ जो है वो इस वे में आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट ग्राफ्स यहां पे देख रहे हो, ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये है x/L के करस्पॉन्डिंग, x/L के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? सो x/L 0.2, x/L 0.4, x/L 0.6, x/L 0.8, लाइक दिस। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्या कर रहा हूं, देखो 1/Biot number पता है, x/L भी पता चल जाएगा। मान लो जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, 2L मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 2L मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, सो L कितना आ जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब L आ गया, x इज इक्वल टू, मान लो कहां पे निकालना है मेरे को, ये चलिए ये हो गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सो ये मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10, और x इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर पे जो प्लेन है, उस प्लेन पे किसी टाइम टाउ, टाउ इज इक्वल टू मान लीजिए क्या हो गया, चलिए 3 सेकेंड। ठीक है, तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जब टाइम क्या है, जब टाइम 3 सेकेंड है। सो पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, पहले मैं फाइंड आउट कर लूंगा टेम्परेचर मिड प्लेन पे टाइम 3 सेकेंड पे, और ये मेरे को कहां से मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा इस ग्राफ से। अब अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं ये बता पाऊंगा। ठीक है, कैसे भाई, देखो इधर, अब अच्छा देखो, वो जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, सो 1/Biot number तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, x/L, सो x/L क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखोगे x मेरे पास कितना है 5। ठीक, सो यहां से x/L कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 5/10, और ये हो गया 5 2, और ये आ जाएगा मेरे पास 0.5 के आसपास। क्लियर? नाउ 0.5 के आसपास, तो 0.5 के आसपास चलो ये मेरे पास मान लो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, यहां पे एक और ले लिया, x/L इज इक्वल टू 0.5 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर? 1/Biot number पता था, 1/Biot number पता है, मार्क कर लो यहां पे, यहां पे मार्क कर लो, मान लो यहां कहीं पे आ गया। नाउ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो x/L 0.5 को, जहां पे कट कर रहा है ये हो गया मेरे पास वो पॉइंट। ठीक है, इसको कहां फेंकना है, इसको फेंकना है y एक्सिस पे, सो y एक्सिस पे फेंकिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास मान लो जी कितनी आ गई, ये मेरे पास आ गई y', ये हो गया मेरे पास y', करेक्ट। सो अब देखो, अब यहां से फाइंड आउट करना था x tau माइनस टी इंफिनिटिव अपॉन, ये हो जाएगा टी जीरो ऑफ जीरो टाउ माइनस टी इंफिनिटिव इज इक्वल टू y'। क्लियर? सो यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से फाइंड आउट कर सकते हो टेम्परेचर एट एनी x एट टाइम टाउ, यहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो।
क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो इस वे में हम हैजलर चार्ट को यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टेम्परेचर किसी भी प्लेन पे, किसी भी टाइम टाउ पे हम टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हैजलर चार्ट। सो हैजलर चार्ट से जो प्रॉब्लम है वो आसान बन जाता है, लेकिन आपको हैजलर चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। सो हैजलर चार्ट से, ठीक है, क्वेश्चन अभी तक तो ऐसे बना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बना नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता भी है, सपोज कभी इन फ्यूचर क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, आपके पास जो डेटा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ना देके आपके पास टेबल के फॉर्म में दे दिया है ना, आपके पास टेबल के फॉर्म में चीजें दे दी, तो भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हो क्वेश्चन को, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो। क्लियर है, लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो डायरेक्टली यही पूछा गया है कि भाई हैजलर चार्ट हम कहां पे यूज करते हैं। सो हैजलर चार्ट हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे आपके पास दोनों ही रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो इस केस में जो टेम्परेचर है वो स्पेस का भी फंक्शन होगा और साथ में किसका फंक्शन होगा, टाइम का भी फंक्शन होगा। एजम्पशंस याद रखिएगा, ठीक है, आपके पास बाउंड्री कंडीशंस, तो प्रॉब्लम के हिसाब से बाउंड्री कंडीशन यूज करना आना चाहिए, ठीक है। कई बार आपके पास क्वेश्चन अगर बन सकता है तो डायरेक्टली, कई बार क्या हो सकता है कि आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन पूछ सकता है कि भाई प्रॉब्लम के हिसाब से बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या बनेगी, ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस आपको लिखना आना चाहिए, राइट, ठीक है। सो ये मैंने कंप्लीट आपको एनालिसिस करवा दिया, ठीक है, हैजलर चार्ट क्यों बनता है, कैसे पिक्चर में आता है वो मैंने सारा चीज समझा दिया, हैजलर चार्ट पढ़ते कैसे ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, ठीक है, सो दैट कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो आप चीजों को डील कर पाओ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास सेकंड मेथड है, ठीक है, चलिए थर्ड मेथड के बारे में देखते हैं फिर, एरर फंक्शन मेथड के बारे में, ठीक है, चलिए।